दिल्ली नर्सरी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे नर्सरी में डालना है कि एल के जी में डालना है कि के जी में डालना है यू के जी में डालना है किस में डालना है तो ये नर्सरी एल के जी यू के जी मतलब इस चीज़ को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से क्लास में मेरा बच्चा जाएगा नर्सरी है कि के जी में जाएगा मतलब हौश पॉश जैसा हो जाता है ये नर्सरी एल के जी यू के जी के जी किस में मेरा बच्चा पढ़ेगा किसको नर्सरी कहते हैं किसको के जी कहते हैं मतलब ये क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया में लोग को होगा और हर जगह का अपना अपना कॉन्सेप्ट है मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं बता दूँ यहाँ का जो कॉन्सेप्ट मोस्टली जो है मैं बता सकती हूँ सबसे पहले जो होता है वो प्ले स्कूल होता है जिसमें बच्चा दो से ढाई साल के बीच में जाता है ठीक है और प्ले स्कूल uh, से फिर आ जाता है आपका नर्सरी ठीक है नर्सरी जिसको प्री स्कूल कहते हैं हाँ और उसके बाद नर्सरी के बाद हो जाता है के जी यहाँ यू के जी एल के जी का कॉन्सेप्ट नहीं है के जी नर्सरी के बाद के जी जिसको प्री प्राइमरी कहते हैं और इसी प्री प्राइमरी या के जी को के जी के बाद बच्चे जाते हैं क्लास वन में तो क्लास वन पहुँचने तक बच्चे को थ्री क्लासेस से गुजरना पड़ता है वो है प्ले प्ले स्कूल उसके बाद जो आ जाता है आपका नर्सरी उसके बाद आ जाता है के जी और जब हमारे टाइम में ना वो था नर्सरी एल के जी यू के जी इस तरह से लोअर के जी अपर के जी तो कॉन्सेप्ट वही है क्लास वन पहुंचने से पहले आपको तीन क्लास से गुजरना पड़ता है अब जो कि दिल्ली में आ, मैं देख रही हूँ यहाँ पर के स्कूलों में वो है प्ले नर्सरी और के जी कहीं कहीं जो नर्सरी को है वो प्री स्कूल भी कहते हैं और के जी को प्री प्राइमरी कहते हैं और उसके बाद वन तो ये कन्फ्यूज़न आपकी बहुत हद तक मेरे वीडियो से दूर हो गई होगी नर्सरी केजी और फ्लाफलाज़ चीज़ को लेकर अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा चैनल सब्सक्राइब इस तरह की वीडियोस चैनल पे आती रहती हूँ हूँ रहमत दिल्ली से फ्रॉम द चैनल एक बार फिर से रिव्यू